नमस्कार और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी को कंफर्म तरीके से समझने का एक बेहद खास सिम्टम। तो इस सिम्टम को आप कैसे जानेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे अपनी बॉडी में, इसके पीछे के जो रीजन है, साइंटिफिक रीजन है वो क्या है और इससे जुड़ी भ्रांतियां क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो सिम्टम क्या है। फ्रेंड्स, वो सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कि अगर आपका पीरियड आने वाला है और अभी भी प्लान कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जाने कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं। आप बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी बॉडी में ऐसे हो रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी सांस फूलती है और आपको किसी तरह की डिजीज नहीं है, हार्ट डिजीज या किसी तरह की ऐसी डिजीज नहीं है, या आप एनीमिक नहीं है और बिल्कुल अलग तरह से आपको सांस बार बार फूलती है, तो मान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता क्यों है, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इतनी कॉमन सी बात प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकती है। तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं, जो कि वैज्ञानिक कारण है, आइए हम उनको जानते हैं। सबसे पहला कारण है शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ना। अब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कैसे करती है, तो फ्रेंड्स, जैसे ही गर्भ स्थापित होता, इम्प्लांटेशन होता है गर्भ को पोषित करने के लिए, विकसित करने के लिए, शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है ताकि यूट्रस की लाइनिंग बढ़े और गर्भ आपका सुरक्षित रहे। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये आपके श्वसन तंत्र को काफी प्रभावित करता है और इस प्रभाव की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है और ये ऑथेंटिक है। दूसरी बात, अब आपके शरीर सिर्फ आपका नहीं है, आपके शरीर में एक शिशु भी पोषित हो रहा है, वो भी विकसित हो रहा है और उसको विकसित करने के लिए ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है। तो डेफिनेटली जब दो शरीर है, दो शरीरों को नरिश करना है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड की और ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन शुरुआती कंडीशन में हमारा न्यूट्रिशन लेवल अगर बहुत अच्छा नहीं है तो हमको सांस फूलने की समस्या हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी, खून की कमी हमें हो सकती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का। लेकिन इससे जुड़ा भ्रम क्या है कि अगर आपको न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है और किसी तरह की शारीरिक समस्या है, जैसे हार्ट डिजीज या बीपी की प्रॉब्लम है, और ऐसा आपको अक्सर होता रहा है पहले भी, तो हम इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। लेकिन अगर कुछ ही प्रेगनेंसी सिम्टम्स इसके साथ में अपियर होते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के ऊपर वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको हर एक सिम्टम को अच्छे से समझा सकूं, और समझाने का मकसद यही है कि आप अपने शरीर में होने वाले अलग अलग सिम्टम्स को समझें और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें। तो आप उन वीडियोज को भी देखिए, क्योंकि इस सिम्टम के साथ में अगर कुछ दो तीन सिम्टम जैसे कि नौजिया है, थकान है, डिजीनेस है, हेडेक है, मूड स्विंग है, पेट में डिस्टर्बेंस है, बैक एन है, तो ऐसी कुछ आपको प्रॉब्लम है इसके साथ में और भी कुछ सिम्टम है, तब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी प्रेगनेंसी को काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सिम्टम पीरियड से पहले भी हो सकता है, और अगर पीरियड मिस हो गया है और पीरियड नहीं आ रहा है तब भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन होने पे पीरियड मिस होने के 7 डेज बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी की जांच घर पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से यूट्यूब सहेली के साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी मिलूंगी नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें, तनाव मुक्त रहें। टेक केयर, बाय।